बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है एनपीए को लेकर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एनपीए को लेकर आ रही है। हड़ताल पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। फिलहाल अब जानकारी आ रही है हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। अस्पतालों में चल रही पेन डाउन स्ट्राइक। और इस बीच जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है एनपीए को लेकर वो ये कि हड़ताल पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से चर्चा करेंगे खुद मुख्यमंत्री। तो अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें मरीजों को हो रही है एनपीए को लेकर। अब डॉक्टर्स क्योंकि लगातार मुखर हो रहे हैं और इस बीच अब जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद चर्चा करेंगे। तो अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और एनपीए को लेकर अब ये जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी के साथ भी बैठक हुई थी, वो बेनतीजा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद इस पर चर्चा करेंगे। हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से ये चर्चा जो है वो की जाएगी। तो अस्पतालों में चल रही पेन डाउन स्ट्राइक और इस बीच जो जानकारी यहाँ पर आ रही है एनपीए को लेकर, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हड़ताल पर चर्चा करेंगे खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से लगातार बातचीत जो है, संपर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है सरकार द्वारा भी। और अब खुद प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो हड़ताल पर बैठे जो डॉक्टर्स हैं उनसे खुद चर्चा करेंगे। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, एनपीए को लेकर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मुखर हुए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से एक बार बैठक बेनतीजा रही है, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करने जा रहे हैं धरने पर बैठे डॉक्टरों से। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि उसी दिन जो है ये समय तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जब अब शिमला वापिस आएंगे अपने दौरे से, कांगड़ा दौरे के बाद, और उसके बाद जो है एक अहम बैठक जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ होगी और मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ होगी। और आज वो दिन है, 11 बजे का समय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तमाम लोग जो है, ये जो चिकित्सक संघ है हिमाचल का, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनके पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बैठक जो है ये होगी। और इसमें खास तौर पर निर्णय जो है वो 12 सूत्रीय मांग पत्र जो है उसके ऊपर हो सकता है। कई तरह की मांगे जो है उनकी कही जा रही है। कहा जा रहा है चिकित्सकों की तरफ से कि टाइम स्केल जो है 4/9/14 को जारी रखने की बात यहाँ पर की गई है। मेडिकल कॉलेजों में जो पद हैं उनको निरंतर प्रक्रिया जो है उसके तहत यहाँ पर भरा जाए, इस तरह की बात की गई है। इसके अलावा जो आईजीएमसी में जो और पद हैं उनको जो भरने की यहाँ पर बात जो है वो की जाए। निरीक्षण के लिए जो फैकल्टी है और जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति किस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। खास तौर पर ये भी अहम रहेगा कि एनपीए, जो कि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एनपीए है ये जो नए भर्ती डॉक्टर होंगे उनके लिए ये अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे कहा गया था कि एनपीए उन डॉक्टर्स को यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले के डॉक्टर भर्ती हुए हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए एनपीए जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। आज इस मसले के ऊपर बातचीत होगी और आखिरी निर्णय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिया जा सकता है कि यह अधिसूचना जारी रहेगी या नहीं। क्योंकि देखिए अंजलि, ये चीज देखने के लिए मिली थी कि जब ये फैसला आया था उसके बाद से जो अस्पतालों में डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उन्होंने काम बंद करने की बात यहाँ पर की थी और उसके बाद काम बंद भी किया। पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर की गई। शुरुआती दौर में 9:30 से 11 बजे तक जो है ये सेवाएं बाधित रही, लेकिन उसके बाद 1.25 घंटा जो है इन्होंने और कम कर दिया। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कोई आखिरी रास्ता इसके ऊपर जरूर होगा कि क्या हड़ताल ये जारी रहेगी या फिर जो विरोध है वो डॉक्टर्स का जारी रहेगा या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रास्ता सुझाया जाए तो उसके ऊपर सहमति यहाँ पर उनकी बन पाए। क्योंकि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक यहाँ पर हुई थी उसमें कोई फैसला जो है वो निकलकर सामने नहीं आया था और बहुत ही अगर कहें तो हड़कंप जैसी परिस्थितियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग के भीतर देखने के लिए मिली थी। लिहाजा आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, आखिरी फैसला जो है वो जरूर इस बाबत लिया जा सकता है कि एनपीए बंद होगा या जारी रहेगा या किस तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।